जब भी हम सेंट ड्यून्स की या डेजर्ट की बात करते हैं तो हम इमेजिन कर पाते हैं एक बहुत ही ड्राई और गर्म सी जगह, जहां दूर दूर तक कहीं पानी नहीं और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, जैसे कि थार डेजर्ट या सहारा। पर हमारी इमेजिनेशन तब गलत हो जाती है जब हम इस अनइमेजिनेबल जगह पर आते हैं, जहाँ ठंड भी है, रिवर भी है और 11,000 फीट की हाइट भी, पर फिर भी यहाँ सैंड ड्यून्स हैं। नेचर की एक अलग ही कॉकटेल यहाँ देखने को मिलती है और ये जगह है लद्दाख के हुंडर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स लद्दाख की नेचुरल ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन की वजह से बने हैं और इन्हें अलग अलग हाइट और शेप देती हैं यहाँ की तेज हवाएं। सैंड ड्यून्स के साइड में ही फ्लो होती है शॉक रिवर, जिसकी वजह से यहाँ ग्रीनरी भी है और ये ग्रीनरी पहले से ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप को और भी अमेजिंग बना देती है। अब इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या हो सकता है। और यहाँ बस सैंड ड्यून्स ही नहीं बल्कि कैमल्स भी हैं। यहाँ रहते हैं डबल हम वाले बैक्टीरियन कैमल्स। सैंड ड्यून्स ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर के एरिया में है, जिसके एक साइड है हुंडर विलेज और दूसरी साइड है डिस्किट विलेज, और इस पूरे एरिया को नूब्रा वैली कहा जाता है। और नूब्रा वैली में कभी आपको सैंड ड्यून्स मिल जाएंगे तो कभी खाली पड़े ग्राउंड में एक रॉक। नूब्रा वैली में आते ही दिखता है ये 100 फीट टॉल बुद्धा स्टैच्यू, जो बना हुआ है डिस्किट मॉनेस्ट्री में। ये स्टैच्यू वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता है और स्टैच्यू के अंदर 2-स्टोरी टेंपल भी है। अगर आपको नूब्रा वैली अच्छी लगी तो फिर अगली डेस्टिनेशन सोमोरेरी लेक आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।